सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा बहुत ही जल्दी 24 तारीख को रिलीज होने वाली है। उससे पहले जो ऑथर चेतन भगत है, जिनकी किताब पर कई फिल्में बन चुकी हैं, उन्होंने एक तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है और सभी क्रिटिक्स को एक सलाह दी है। क्या है उनका ये ट्वीट, और ये उनका ट्वीट जो है ना वो काफ़ी चर्चाएं बटोर रहा है। क्या लिखा है उन्होंने, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म इस हफ्ते रिलीज होगी। मैं सभी स्नॉप गवार और अभी जातीय समीक्षकों से अब कहना चाहूँगा कि समझदारी से लिखें, ओवर स्मार्ट काम ना करें, बेकार चीज़ें ना लिखें। इतना ही नहीं, वो आगे लिखते हैं, निष्पक्ष और समझदार बने, बेकार तरीकों का इस्तेमाल ना करें। आपने वैसे ही कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, अब रुकिए, हम देख रहे हैं। तो उनका ये जो ट्वीट है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे लगातार 3-4 लिखे हैं। वो आगे लिखते हैं, इन समीक्षकों को किराए पर लेने वाले मीडिया संगठनों के लिए, वो कहते हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों को काम पर रखना बहुत ही गलत रणनीति है, जिन्हें भारत समझ नहीं आता और उन्हें लगता है कि वो भारतीय से ज़्यादा अच्छे हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, और लोग ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि आपका संस्थान दिवालिया हो जाए। कई लोगों का पहले भी हो ही चुका है। तो और उन्होंने जो है एक और ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, फिल्म देखकर मज़ा आ गया, लगता है कि उन्होंने जो है फिल्म देख ली है, स्क्रीनिंग हुई होगी। आपकी मस्त पिक्चर देखकर मैं आपकी ज़बरदस्त फिल्म देखने के लिए उत्साहित था। यूँ तो दोनों लाइनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन अधिकांश भारतीय, यहाँ तक कि बड़े सितारे भी दूसरी लाइन ही सुनना चाहते हैं, माँ कसम मज़ा आ गया। इसलिए कुछ आलोचक ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए लिखी है, और उन्होंने क्रिटिक्स से इस बात की अपील की है कि इस बार जो है थोड़ा समझदारी से काम लेना और समझदारी से लिखना, स्नॉब मत बनना यानी कि गवाह मत बनना, कुछ भी मत लिखना, लेकिन समझदारी से काम लेना। तो इस तरह का जो उनका ये ट्वीट है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, और हर कोई जो है चेतन की तारीफ़ कर रहा है कि उन्होंने आगे आकर जो है इस तरह की आवाज़ उठाई है।